जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी एक बात और अगर कोई भी इलेट्रेशन या आपका क्वेश्चन सिमिलर टाइप का हम लोग उसे क्या करेंगे स्किप कर देंगे इससे पहले हमने जितने चैप्टर कवर किए हैं और आगे जो भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे जनरली हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं मैं पहले आपको रिवाइज कराता हूं उसके बाद इलेस्ट्रेशन या क्वेश्चन कवर कराता हूं

तो वहां पे भी कोई इलेस्ट्रेशन ये आपका क्वेश्चन कवर नहीं है हालांकि आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है पीएनएल स्टेटमेंट दे रखी है मैं पीएनएल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको जब पीएनएल के क्वेश्चन आएंगे तब कवर कराऊंगा ठीक जी सर यूनिट नंबर थर्ड पे चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड पे अगर आप देखेंगे पेज नंबर एट पे एक इलेस्ट्रेशन दे रखा है और ये जो इलेस्ट्रेशन है ये आपका

-it 100. Sir, कैसे में, sir, दो कैपिटल है बोलते हैं बैंक की मुख्य कैपिटल बोलते हैं और एक है सर आपका टीयर टू कैपिटल ठीक सर बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो टीयर टू कैपिटल है वो टीयर वन कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पर टीयर वन कैपिटल मान लो अपनी टेन लैख आई है जी सर जो टीयर टू कैपिटल है वो मान लो फिफ्टीन लाख है तो सर टीयर टू कैपिटल भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर सिर्फ टेन लाख तक हो सकती है आगे चलें हाँ जी सर सर एक बात बताओ मान लो टीयर वन कैपिटल अपनी टेन लाख है और टीयर टू कैपिटल अपनी सिक्स लाख है तो उस केस में सर टीयर टू कैपिटल सिक्स लाख ही कंसिडर करेंगे आई मीन टू से टीयर टू कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ टीयर वन कैपिटल तक हो सकती है

इफ रिलाइज इन कैश आ जाएगा कैपिटल जो है, जी सर. आपका कौन वैपिटल नॉन क्यूमलेटिव प्रेफरेंस नॉन सर आपके इनोवेटिव परपचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट आएंगे इनोवेटिव परपचुअल इंटेंसिवसेट अगर आपके पास कोई भी है डेफिनेट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास कोई है जिसको आपने राइट right ऑफ नहीं किया हो।

रिजर्व प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्लस रिजर्व कैश प्लस सर आपका आएगा इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट ठीक रिड्यूस कर देंगे आपका टैक्स असाइट से और आपका सर एक्टेड लॉसेज से ठीक इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे किसकी टीयर टू कैपिटल की टीयर टू कैपिटल बेसिकली क्या क्या आएगा सर आपके सबोर्डिनेट डेट आ जाएंगे

अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी सब्सिडरी कंपनी के अंदर बैंक ने क्या कर रखा है इन्वेस्टमेंट कर रखी सब्सिडरी कंपनी के अंदर सर तो हम लोग उसे क्या करेंगे उसे हम कैपिटल से से रिड्यूस करेंगे मेरी वर्डिंग फिर ध्यान सुनना अगर इंटेंजिबल एसेट अपने पास है तो उसे हम लोग टीयर वन कैपिटल से माइनस करते हैं लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी है बाय बैंकिंग कंपनी तो सर हम उसे क्या करते हैं कैपिटल एम्प्लॉय से माइनस करते हैं ठीक जी सर चलिए रिस्क वेटेड असेट का अमाउंट कैसे निकलेगा सर जो भी बैलेंस की रिस्क सारी, सारी, मतलब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्क वेटेड अमाउंट आ जाएगा ठीक जी सर आइए डिस्कस करते हैं हर इलेट्रेशन और क्वेश्चन से पहले मैं आपको टेन टू फिफ्टीन सेकेंड दूंगा सो so दैट एक बार आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ें फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे सोल्व करेंगे ठीक जी सर एक कॉमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड सर एक बैंक है जिसके सर ये कैपिटल फंड और असेट्स है ठीक है द कैपिटल फंड इनटू टू टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड असेट एंड रिस्क वेटेड असेट रेशो ठीक है रिस्क वेटेड असेट रेसो मतलब वो एक तरीके से आपको कह रहे हैं कैपिटल एडिक्यूसी रेसो ठीक कैपिटल फंड देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल सर टीयर वन में जाएंगे आपका टीयर वन में जाएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ यहाँ पे टीयर वन लिख रहे हैं एक सेकंड टीयर वन में जाएगा रिजर्व इक्विटी शेयर सर टीयर वन में कितने स्टूडेंट ऐसे जो मेरे साथ, साथ साथ ऐसे लिख रहे हैं मैं आपको बता दू आपको ये सब नहीं लिखना चाहिए आपको सारी बातें कॉपी में लिखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सर जब आप रिवाइज करके जाएंगे तो पता आप कैसे रिवाइज करेंगे मैं आपको ना इसका एक, एक, एक देता हूं पहले ना। जैसे मैं स्क्रीन लेके आऊंगा आप बताना आपकी नजर कौन से वर्ड पे पे पड़ी है सर टी क्योंकि ये अलग कलर से लिखा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जाम से पहले जब आप अपनी स्टडी मैट से रिवाइज करोगे या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक से रिवाइज करेंगे तो पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है सर जैसे ही आप कैपिटल फंड के अंदर पढ़ेंगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल समझाने के लिए यहां पे लिखवा रहा हूं आप कॉपी में लिखेंगे ठीक है जी सर इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगी सर टीयर वन में सर हम समझ गए आप ये चाहते हो कि बुक हमारी ऐसी हो कि हम एग्जाम से पहले जब उसे रिवाइज करें तो वो हमें क्वेश्चन पेपर की फीलिंग दे बिल्कुल स्टेचुरी रिजर्व सर टीयर वन में कैपिटल रिजर्व अगर रिलाइज इन कैश है तो में इन कैश टू सर कैपिटल रिजर्व वन टू वन जीरो बैलेंस ड्यू टू सेल सर देखिए कैपिटल रिजर्व जो है टू एटी लैक का किसकी वजह से रिवेल्यूशन ऑफ असेट की वजह से मतलब नो रिलाइज है और बैलेंस ड्यू टू सेल है सेल का मतलब क्या होगा सर रिलाइज इन है तो वन टू वन जीरो माइनस टू एट्टी नाइन थर्टी किस आएगा सर टीयर वन में टू एट्टी का फोर्टी फाइव परसेंट वन ट्वेंटी सिक्स सर टीयर टू में आगे असेट स्टार्ट होगी बात करेंगे उसके ऊपर यहाँ देखिए सर आपका फोर प्लस अच्छा कंप्लीट लिख ले फोर्टी एट थाउजेंड प्लस आपका ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस आपका नाइन थर्टी टी एयर वन कैपिटल सर अपनी आ गई सेवन सिक्स नाइन थ्री जीरो और टी एयर टू कैपिटल आ गई अपनी वन टू सिक्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने से आ गया सर सेवन सेवन जीरो फाइव सिक्स ये देखिए चलिए हाँ जी सर आइए अब हम अमाउंट निकालेंगे किसका रिस्क एडजस्टेड का हम लोग क्या करेंगे रिस्पेक्टिव आइटम ऑफ असेट को परसेंटेज रिस्क से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज ऑफ रिस्क सर आपको याद करने कैश बैलेंस विदो परसेंट बैलेंस विद अदर बैंक सर ट्वेंटी परसेंट क्लेम ऑन बैंक ट्वेंटी परसेंट अदर इन्वेस्टमेंट हंड्रेड परसेंट लोन एंड एडवानसेस में गारंटेड बाय गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट गारंटी देती है सर तो कितने परसेंट रिस्क होता है जीरो परसेंट गारंटेड बाय पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर इस केस में हमारी स्टडी मटेरियल जो है अगर पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गारंटी दे रखी है तो सर 0% रिस्क लेके चलते हैं हम भी सर एग्जाम पर्पस के लिए क्या कर करेंगे 0% रिस्क लेके चला करेंगे ठीक है जी सर अदर सर देखिए अदर सेट में सर आपका क्या आएगा हंड्रेड परसेंट ये प्रीमाइसीज फर्नीचर एंड फिक्सर्स यहाँ पे है ये अदर इन्वेस्ट अदर ये जो है ना लोन एंड एडवाज की बात हो रही ठीक है जी सर प्रीमाइसिज फिक्सर्स एंड फर्नीचर एंड फिक्सर्स हंड्रेड परसेंट अदर असेट्स हंड्रेड परसेंट ओ बैलेंसड आइटम हंड्रेड परसेंट ठीक जी सर आइए जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी हंड्रेड ज़ीरो ज़ीरो और आपका हंड्रेड 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 ये अमाउंट आ गया और ये ऑफ बैलेंसिड आइटम है ये टोटल अमाउंट आ गया ठीक आपका कैपिटल चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम चलेंगे यूनिट फोर की तरफ यूनिट फोर में आप आएंगे पेज नंबर एक बार मैं बता देता हूँ बल्कि स्टार्टिंग से ना एक साथ चलते हैं यूनिट फोर जी सर देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुन तीन कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग असेट को लेके सबसे पहला मेजर होता है सब क्लासिफिकेशन एक बार आपको मोटे तौर पे बता देता हूं लोन एंड अडवांस जो है उसके कितने पार्ट है बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंट सेकेंड है कैश क्रेडिट ओवर ड्राफ्ट एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड और थर्ड है सर आपका, term loan. सर आपका टर्म लोन मोटे तौर तो अगर अगर मैं बताऊं इनमें से किसी की भी ड्यू डेट आती है और पार्टी 90 डेज तक पेमेंट नहीं कर पाती ड्यू डेट से तो फ्रॉम नाइनटी फर्स्ट डेज हम लोगों से क्या बोलते हैं सर नॉन परफॉर्मिंग असर्ट बोलते हैं तो एक तो मेजर क्वेश्चन बनता क्लासिफिकेशन का ठीक सेकेंड क्वेश्चन बनता सब प्रोविजन का अगर असेट आपकी परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा क्लासिफिकेशन ठीक सेकेंड प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा सर स्टैंडर्ड सेट पे पॉइंट फोर परसेंट हालांकि स्टैंडर्ड सेट में बड़ी सारी कैटेगरी करेंगे ठीक सब स्टैंडर्ड डाउटफुल ठीक एक परसेंटेज दे रखिए उसके हिसाब से प्रोविजन कैलकुलेट करते ठीक थर्ड आता सब इनकम रिकोगप्ट मैं एक बार इन तीनों के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ आपको ना सर इसके ऊपर थ्योटिकल क्वेश्चन आता है हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है मैं इस, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जहाँ पे सर वो क्या करेगा इस डेट पे लोन दिया इस डेट पे क्या हुआ इस डेट पे, पे सर आपका ड्यू डेट थी यहाँ तक पेमेंट नहीं हुई तो इस तरह सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक थ्योटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है प्रोविजन के ऊपर सर जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो आपको क्या करेगा स्टैंडर्ड सब और डाउटफुल सेट दे देगा सेट दे देगा और कहेगा प्रोजन अमाउंट कैलकुलेट करो ठीक इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है देखिए अगर असेट कौन सी है परफॉर्मिंग असेट है तो हम लोग जो इनकम रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर एक्ल बेसिस अगर असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो हम लोग इनकम से रिकॉर्ड करेंगे कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर रिसीव्ड बेसिस पे कैश बेसिस पे ठीक तो ये जो क्वेश्चन है आपका ना ये आपका का है. है देखिए अगर तो हम लोग क्या करेंगे? <coughs> थोड़ा गला खराब हो गया एक्चुअली बेटा मेरी ना डेली सात से आठ घंटे की रिकॉर्डिंग होती है आजकल ठीक है जी सर सर हम समझ रहे हैं डोंट वरी हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ये आपका परफॉर्मिंग असेट पर सर एकुरल बेस पे आएगा कैश क्रेडिट एंड ओवर ड्राफ्ट एकुरूल बेस पे आएगा बिल परचेज एंड डिस्काउंट सर एक बेस पे आएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट इंटरेस्ट रिसीव सर कैश बेस पे कैश क्रेडिट ऑन ओवर ड्राफ्ट पे इंटरेस्ट रिसीव सर कैश बेस पे बिल परचेज एंड डिस्काउंट कैश बेस पे ठीक है जी सर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कई बार ना स्टूडेंट पूछता है कि सर हमें ये बात पता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बड़ा जरूरी है लेकिन आपको पता है सर सबसे टफेस्ट जॉब है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं सबसे आसान जो भी यही है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मेरी अपनी प्रायोरिटी सेट है मेरे को इतने बजे ऑफिस पहुंचना है पहले फाइनल की रिकॉर्डिंग करनी है फिर इंटर की रिकॉर्डिंग करनी है फिर यूट्यूब की रिकॉर्डिंग करनी है इसके बाद टाइम बचेगा कुछ और तो काम कर लेंगे मेरी प्रायोरिटी फिक्स है मैं डेली बेस पर सर यही काम करता हूँ

मैं बीच में उसके वीडियो भी लेके आया मतलब मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ और ये बिल्कुल आराम से हो रहा है बस एक चीज मैंने डिसाइड कर रखी है कि मैं डेली बेस पे ये काम करके जाऊँगा ऑटोमेटिक हो रहा है ये सब हैबिट का गेम है दोस्त और हैबिट पता क्या है करने से बनती है सोचने से नहीं बनती है। आपने डेली डेली डिसाइड करना है कि मेरी ये प्रायोरिटी है और आपने उसको फॉलो करना है आप देखना ऑटोमेटिक सर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी चलें जी सर देखिए मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये इनकम रिकॉग्निशन का क्वेश्चन है परफॉर्मिंग असेट के ऊपर इनकम सर एक रिकॉर्ड होती है ठीक और नॉन परफॉर्मिंग सर इनकम जो है वो आपका कैश बेस पर रिकॉर्ड होती है ठीक है जी सर चलिए वन प्लस सेवन प्लस वन फिफ्टी वन जीरो टू प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी थर्टी सेवन वन जीरो फाइव सेवन टोटल इनकम आ जाएगी चले आगे जी सर ये आपका बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है सर फिर भी करा ही दो कोई बात नहीं करा देते हैं फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ एस एस बैंक फॉर द ईयर एंडेड परफॉर्मिंग एसेट सर एक बेस पे नॉन परफॉर्मिंग एसेड सर आपका कैश बेस पे थर्टी फोर और ये आ जाएगा सर आपका वन सेवन फोर जीरो वन सेवन सेवन फोर ठीक चलिए देखिए टर्म लोन आपका परफॉर्मिंग बेस पे नॉन परफॉर्मिंग सर कैश बेस पे ठीक जी सर ये देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं सर एडवांस को क्लासिफाई करते हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग ठीक जी सर उसके बाद जब आप क्लासिफिकेशन कर लेते तो आप क्या करते फिर सर फिर हम लोग प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं आइए अब इसके बाद सर आपके प्रोविजन के इलिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं मैं एक काम करता हूँ पहले आपको प्रोविजन को रिवाइज कराता हूँ और उसके बाद क्या करते हैं फिर ये इलिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं मैं प्रोविजन के रेट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ स्टैंडर्ड असेट पे सर अगर वो एग्रीकल्चर एंड एसएमई है तो पॉइंट टू फाइव परसेंट है सर हमने तो पॉइंट फोर परसेंट पर रखा पड़ा पॉइंट फोर परसेंट है अदर देन फॉलोइंग आइटम जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले सर अगर एग्रीकल्चर एंड एस एम ई है तो पॉइंट टू फाइव परसेंट ठीक कॉमर्शियल रियल स्टेट पर वन परसेंट है कॉमर्शियल रियल स्टेट में अगर रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर है तो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट लोअर रेट पे सर टू परसेंट है अगर रिस्ट्रक्चर अकाउंट है सर तो जो भी हाइयर रेट चल रहा होता सर वो है सर जैसे

बल्कि मैं एक काम और करता हूं आपको ना नोट से ये रेट पढ़वा देता हूं ये देखिए स्टैंडर्ड सेट अदर देन ये फॉलोइंग आइटम सर पॉइंट फोर परसेंट है एग्रीकल्चर एंड एसएमई पे पॉइंट टू फाइव परसेंट कॉमर्शियल रियल स्टेट सर वन परसेंट रियल स्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर पॉइंट सेवन फाइव परसेंट हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट लोअर रेट सर टू परसेंट रिस्ट्रक्चर अकाउंट सर क्या फाइव परसेंट हाईर रेट एज प्रस्क्राइब ऑन टाइम टू टाइम ठीक है सब सिक्योर्ड फिफ्टीन परसेंट अनसिक्योर्ड सर आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट वेर एस्क्रो अकाउंट इज अवेलेबल ट्वेंटी परसेंट अदर अनसिक्योर्ड ट्वेंटी जी सर लॉस असेट सॉरी डाउटफुल असेट सिक्योर्ड सर जीरो टू वन ईयर ट्वेंटी परसेंट थ्री टू इन फाइनाइट पीरियड सर हंड्रेड परसेंट डाउटफुल असेट में अगर अनसिक्योर्ड है हंड्रेड परसेंट लॉस असेट पर सर हंड्रेड परसेंट टोटल प्रोविजन अमाउंट आ जाएगा ठीक ये जो प्रोविजन का अमाउंट सर ये क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है ठीक है जी सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है तो हम क्या मान के चलेंगे सिक्योर्ड मान के चलेंगे ठीक है सर सर कभी कभी क्या होता है जो लोन एंड एडवांस होता है ना उसके अगेंस्ट सर

5200 चलें जी सर आइए सो द प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स वन एंड थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स टू ये हमने बात की है थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स वन की अब बात करते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स टू की सर ये जो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है ठीक है एट थाउजेंड है अनसिक्योर्ड टू थाउजेंड है इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम सेम ही मान के चलेंगे कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपकी एट थाउजेंड रही होगी ठीक है क्योंकि टोटल अमाउंट आपका टेन का था लेकिन अब ये इस ईयर पे अगर टू पॉइंट फाइव ईयर है तो सर ये अमाउंट आपका इस ईयर पे थ्री पॉइंट फाइव में चला जाएगा और सिक्योर्ड पोर्सन पे भी कितना होता है हंड्रेड परसेंट अनसिक्योर्ड पर भी हंड्रेड परसेंट तो टेन थाउजेंड का प्रोविजन आ जाएगा अगर ईयर वाइज प्रोविजन पूछेगा तो सर ये देखिए क्लोजिंग प्रोविजन ओपनिंग प्रोविजन डिफरेंस आपका करंट ईयर का प्रोविजन आ जाएगा ठीक जी सर स्टेशन टू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिलकर पढ़ लेते हैं. आपका नहीं बता रखा सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे सिक्योर्ड मान के चलेंगे फिफ्टीन परसेंट डाउटफुल सर नहीं बता रहे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हम सिक्योर्ड मान के चलेंगे सर ट फोर्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी फोर्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट और लो सर प्रसर क्या है हंड्रेड परसेंट चली अगर आप टेक्निकली देखेंगे सर तो ये जो प्रोविजन है क्यूमलेटिव प्रोविजन है पी एंड एल अकाउंट में प्रोविजन सर सिर्फ करंट ईयर का जाना चाहिए इसमें से ओपनिंग प्रोविजन माइनस होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन है सर हमें ओपनिंग प्रोविजन नहीं दे रखा इसलिए हम क्या मान के चलेंगे सर यही प्रोविजन आपका करंट ईयर का जो कि सही बात नहीं है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा प्रोविजन करंट ईयर का हो सर प्रोविजन तो क्यूमलेटिव निकलेगा ना अब जो डाउटफुल असैट सर आपकी तीन साल की है Year, वो दो साल की कैटेगरी में रही होगी ठीक जी सर तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं जो क्लोजिंग प्रोविजन है उसी को सर पिंड में चार्ज कर लेते हैं फ्रॉम दोलिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए वाई लिमिटेड इन द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट स्टैंडर्ड सर आपका ट्वेंटी थाउजेंड आ गया सब स्टैंडर्ड सर सिक्सटीन ठीक है डाउटफुल फॉर वन ईयर सिक्योर्ड है ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर टू ईयर टू ईयर एंड थ्री ईयर सर सिक्योर्ड है फोर्टी परसेंट फॉर मोर देन थ्री ईयर सिक्योर्ड बाई मोड के जो प्लांट एंड मशीनरी सिक्स हंड्रेड है सर देखिए मोर देन थ्री ईयर अगर सिक्योर्ड है तो भी हंड्रेड परसेंट आएगा और जो बैलेंस अनसिक्योर्ड है उस पर भी आपका हंड्रेड परसेंट आएगा उसके बाद सर लॉस असेट हंड्रेड परसेंट चलें जी सर फोर पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस फोर लैख से ईसीजीसी जीसी कवर फिफ्टी परसेंट सर ईसीजीसी जो कवरेज करती है ना वो हमेशा अनसिक्योर्ड पोर्शन की कवरेज करती है ठीक है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस फोर लैख आ गया ठीक है पीरियड फोर विच द डाउटफुल सर मोर देन थ्री ईयर ठीक है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है वन पॉइंट फाइव लैख तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर एलोकेट करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को सिक्योर्ड पोर्सन और अनसिक्योर्ड पोर्सन में ठीक है तो ये आपका सिक्योर्ड पोर्सन हो गया अनसिक्योर्ड पोर्सन कितने से टू पॉइंट फाइव से उसके बाद क्या करेंगे प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे सिक्योर्ड पोर्सन पे सर आपका चेक करना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी में सर मोर देन थ्री ईयर के डाउटफुल में है. तो हंड्रेड परसेंट ही आ जाएगा और अनसिक्योर्ड सर इस पर भी हंड्रेड परसेंट आएगा टू पॉइंट फाइव और इसका फिफ्टी परसेंट कवरेज सर किसके पास है ई सी जी सी के पास टू पॉइंट सेवन फाइव का टोटल प्रोविजन आ जाएगा चलें, जी सर सर इल नंबर फाइव साथ साथ पढ़ लेते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस फोर लैक से इसी जी सी कवर सर आपका फिफ्टी परसेंट है पीरियड फोर वीच द डाउटफुल। सर मोर देन थ्री ईयर है वैल्यू सिक्योरिटी हेल्ड सर वन पॉइंट फाइव लैक है लेकिन जो रिलाइजल वैल्यू एट्टी परसेंट है मतलब वन पॉइंट टू लैक आ गया तो फोर लैक माइनस वन पॉइंट टू टू पॉइंट एट इसका प्रोविजन हंड्रेड परसेंट बनेगा इसका प्रोविजन भी हंड्रेड परसेंट बनेगा लेकिन इसका फिफ्टी परसेंट सर आपका कवर्ड है ईसीजीसी से तो वन पॉइंट फोर टू पॉइंट का प्रोविजन बनेगा टोटल चलिए नंबर आइए मिलकर पढ़ते हैं इन के आर बैंक द डाउटफुल असेट मोर देन थ्री ईयर। एज ऑन मार्च दैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डी आईसी जी सी कवर हंड्रेड परसेंट कवर ऑफ हंड्रेड लैख सर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है इज एसर्टेड एट फाइव हंड्रेड लैख लेकिन हंड्रेड परसेंट तो सर आपका क्या है मतलब ऐसे बोलता हूँ हंड्रेड लैख तो सर क्या है आपका गारंटी में कवर है तो जो आपके पास टेंजिबल सिक्योरिटी वो कितनी हो की होगी सर फोर हंड्रेड की बैलेंस आपके पास सिक्स हंड्रेड आ गया हाँ जी तो सिक्योर्ड पोर्शन का प्रोविजन हंड्रेड परसेंट क्योंकि मोर देन थ्री फोर हंड्रेड इसका प्रोविजन आपका जो डी आई सी जी सी ने कवर कर रखा है हंड्रेड नाइन हंड्रेड चले आगे जी देखिए ए लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ फिफ्टी लैक है द लोन गारंटेड बाई डी कितना रिस्कटेडी परसेंट सर वैल्यू फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव लैक आ जाएगी, जाएगी सर ठीक जी सर आगे बढ़ते हैं ये देखिए कोई इलेस्ट्रेशन और क्वेश्चन आगे कवर नहीं है चलिए यूनिट नंबर फाइव पे चलते हैं यूनिट नंबर फाइव सर इलेट्रेशन वन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का आइए पहले मैं आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं फिर हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब होता है अनऑर्ंड इनकम बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं उसके थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है ठीक है सर आपने उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को रेंट पर दिया अकाउंटिंग ईयर सर आपका फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर आपने क्या किया प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी फोर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट ठीक कब फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी फोर को कितने टाइम पीरियड के लिए सिक्स मंथ्स के लिए ठीक है किस रेट से टेन थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से और आपने आज ही पूरा पैसा रिसीव कर लिया कितना पैसा रिसीव किया आपने सिक्सटी थाउजेंड अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस साल आपकी रेंट इनकम कितनी होगी आप बोलेंगे सर थर्टी थाउजेंड मैंने कहा कैसे सर सिक्सटी थाउजेंड जो हमने रेंट लिया वो सिक्स मंथ के लिए लिया है थ्री मंथ का रेंट सर इस साल का है थ्री मंथ का रेंट अगले साल का है ठीक जी सर क्योंकि हम जो इनकम रिकॉर्ड करते हैं एग्रल बेस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं लेकिन हमारा एग्रीमेंट ऐसा था एग्रीमेंट में प्रोसेस ऐसा था कि सामने वाली पार्टी को पहले क्या करना पड़ेगा हमें एडवांस पैसा पे करना पड़ेगा ठीक है जी सर उसने क्या किया सिक्स मंथ का हमें एडवांस पे कर दिया ठीक है तो आपने एंट्री क्या पास की होगी सर हमने पहली एंट्री पास की होगी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी को बैंक अकाउंट डेबिट टेन थाउजेंड इंटू सिक्स टू रेंट इनकम अकाउंट चलिए अब थर्टी फर्स्ट मार्च को हमने देखा कि जो हमने फर्स्ट जनवरी को सिक्सटी थाउजेंड का रेंट रिसीव किया था जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने की ही प्रॉपर्टी अभी तक सामने वाली पार्टी ने यूज की है तो तीन महीने के लिए सर हमारी क्या होगी इनकम होगी बाकी सर अपने पास क्या होगा लाइबिलिटी बन गई क्योंकि हमने उस पैसे को एडवांस में रिसीव कर लिया ठीक तो हम यहां पे क्या एंट्री पास करेंगे रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंट इन इनकम सलिक हाँ जी सर ऑन द सेम ट्यूनिंग मैं एक बैंक हूं ठीक है आप एक बैंक हो ठीक है आपके पास सर एक कस्टमर आया कहता है कि मेरे को ना एक बिल डिस्काउंट कराना है मान लेते सर वो आपके पास फोर्टीन फेब को आया समझ गए हाँ सर फोर्टीन फेब को हम समझ गए वो बिल डिस्काउंट कराने अपने पास आया वन लाख का वो आपके पास बिल लेके आया और बिल की जो ड्यू डेट थी वो नाइनटी डेज थी ठीक है तो बिल सर बिल के पैसे वो कब देगा आपको सर वो पैसे देगा हमें फिफ्टीन मई को मान के चलते सर वन लाख का बिल था और आपने थ्री मंथ के लिए क्या किया साहब बिल को डिस्काउंट कर दिया और आपने टू थाउजेंड रुपीज सर एज ए डिस्काउंट के पैसे काट लिए ठीक तो बींग बैंक आपने क्या एंट्री पास की होगी सर मैंने एंट्री पास की होगी बिल डिस्काउंटेड अकाउंट नाइनटी एट थाउजेंड से नहीं बच्चे आपने इसे वन लैख ,00 के हिसाब से रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि बिल आपका वन लैख का है हाँ आपने वन लैख ,00 का बिल लिया आपने पेमेंट कितनी की सर एज पर एग्रीमेंट हमें थाउजेंड रुपीज डिडक्ट करने तो की की डिस्काउंट इनकम ये आपकी जो इनकम है, है? है ओके क्योंकि जो हमने सामने वाली पार्टी को पैसा दिया है वो पैसा सामने वाली पार्टी के पास रहेगा थ्री मंथ के लिए थ्री मंथ के बाद उसे क्या करना पड़ेगा रीपे करना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो इनकम आपकी ये क्या आपकी इनकम फोर्टीन फैब की है मैं नंबरिंग कर देता हूँ फर्स्ट नंबर या ये आपकी इनकम फिफ्टीन मई की है या ये इनकम आपकी फोर द पीरियड ऑफ थ्री मंथ की है सर ये इनकम अपनी फोर द पीरियड ऑफ थ्री मंथ है तो आपको इस टू थाउजेंड की इनकम को क्या करना चाहिए सर ओवर द पीरियड ऑफ थ्री मंथ एलोकेट करना चाहिए लेकिन बैंक का प्रोसीजर ये है कि बैंक जिस दिन क्या करेगा बिल को डिस्काउंट करेगा उसी दिन बैंक पैसे काट लेगा अब बैंक जिस दिन सर बिल को डिस्काउंट करेगा अगर उसी दिन पैसे काट लेगा तो क्या होगा बताइए क्या होगा सर अपने पास आज ही वो पैसे आ गए हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा एक्स के हिसाब से ओवर द पीरियड एलोकेट करना पड़ेगा ठीक तो जितना डिस्काउंट इनकम का हिस्सा

जो अगले साल परटेन करता है अगले साल से बिलोंग करता है हम उसे क्या करेंगे सर एज ए करेंड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे डिस्काउंट डिस्काउंट इनकम अकाउंट तो रिबेट ऑन बिल ठीक जी सर ऐसे सर क्या हुआ होगा बैंक ने कुछ बिल लास्ट ईयर डिस्काउंट किए होंगे जिसके पैसे बैंक ने लास्ट ईयर रिसीव कर लिए होंगे लेकिन सर उन बिल का कुछ हिस्सा सर इस साल के लिए रहा होगा आउटस्टैंडिंग ऐसे बोल सकता हूं सर जो बैंक ने डिस्काउंट के पैसे लास्ट ईयर काटे थे उसमें से कुछ हिस्सा सर इस साल का रहा होगा तो बैंक को क्या करना पड़ेगा जो उसने लास्ट ईयर लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी उसे रिवर्स करना पड़ेगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम अकाउंट ठीक चलिए हां जी सर तो मेरे साथ साथ बोलेंगे सबसे सर सर पहले हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को कैंसिल करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो टू डिस्काउंट इनकम ठीक है फिर सर डिस्काउंट इनकम रिसीव करेंगे और फिर क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं अगर ट्रायल बैलेंस में तो बल्कि मैं काम करता हूँ इस एग्जाम्पल को ले लेता हूं और आपसे एक बात पूछता हूं देखिए ट्रायल बैलेंस है अगर ट्रायल बैलेंस में बिल डिस्काउंट का अमाउंट है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा और आपने प्रॉमिस है आपको अपने आप से आपने क्या करना वीडियो को पोज करके पहले कमेंट बॉक्स में सर आपने अपना आंसर लिखना फिर मेरी बात सुननी है आपका आंसर ठीक होगा या गलत होगा सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप आंसर दोगे ना और जब मैं आंसर दूंगा सर वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा बड़ी क्लैरिटी आएगी कई बच्चे डर के मारे आंसर नहीं देते कि सर आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं अभी आपकी लर्निंग स्टेज है ठीक तो है।, है सर क्वेश्चन पूछिए फोर थाउजेंड है क्योंकि ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है जी सर देखिए पहला ऑप्शन ये वो बिल है जो आपने ड्यूरिंग डिस्काउंट किए हैं ये वो बिल है जो आपने पूरे साल के दौरान डिस्काउंट किए हैं सेकंड ऑप्शन ये वो बिल है जो आपने इस साल डिस्काउंट किए हैं और अभी इनकी मेच्योरिटी डेट नहीं आई है सर क्या फर्क है बेटा फर्क है ना पूरे साल बिल इशू किए और एक वो बिल है जो सर आपने क्या किया है इस साल इशू किए लेकिन इनकी मेच्योरिटी डेट नहीं आई है जल्दी बताइए कौन सी बात ज्यादा सही है मैं आपको बता दूं जी सर बात नंबर दो सही है क्योंकि सर देखिए ड्यूरिंग देर तो बड़े सारे ऐसे बिल होंगे जैसे मान लो आपने क्या किया होगा हो? यहां बिल किया यहां इशू किया जो पहले वाला बिल था यहां मैच्योर हो गया यहां वाला बिल यहां मैच्योर हो गया यहां वाला बिल यहां मैच्योर हो गया तो कोई भी ऐसा बिल जो आपने करंट ईयर में परचेज किया है और वो करंट ईयर में ही मैच्योर हो गया है कोई भी ऐसा बिल जो आपने करंट ईयर में परचेज किया है और करंट ईयर में मैच्योर हो गया है तो सर वो ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं सकता क्यों सर जैसे मान लो आपने क्या किया यहां पे फर्स्ट जून को एक बिल परचेज किया बैंक ने क्या एंट्री पास की होगी बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट इनकम ठीक सर दो महीने का बिल था तीन महीने का बिल था मान लो ठीक है फर्स्ट पे है कस्टमर आए पैसे दे चला गया बैंक अकाउंट टू बिल अकाउंटेज वो ट्रायल में आ ही नहीं सकता ट्रायल में सर बिल परचेज का मतलब है ये वो बिल है जिसकी मेचोरिटी डेट अभी पेंडिंग है इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना जब हमने बिल को परचेज किया होगा तो हमने ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास कर दी होगी इसलिए एग्जाम के अंदर सर अगर ट्रायल बैलेंस में बिल परचेज का अमाउंट आपको दे दिया

अन इनकम निकालने के लिए सर उसका यूज़ क्वेश्चन हो हो में उसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी ठीक है फिर ये एंट्री पास होगी ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है सर अपने पास ना तो मैं आपको बता दूंगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको ड्यूरिंग द ईयर की भी एंट्री पास करनी ठीक है जी सर जल्दी पड़ी रिले स्टेशन द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रसीज बैंक एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स मंथ बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट दे दिया इसका मतलब सर ड्यूरिंग द ईयर जो आपने बिल परचेज किए हैं उसकी एंट्री आप पास कर चुके हैं और जो बिल आपने परचेज़ किए हैं उसमें से इतने बिल अभी आउटस्टेंडिंग हैं जिसकी मैचोरिटी डेट अगले साल आएगी तो आप क्या करेंगे बैलेंसी डेट से लेके मैचोरिटी डेट तक का

चेक करा दूं जी सर वन फोर्टी प्लस आपका फोर लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस आपका टू लैख एटी टू थाउजेंड प्लस आपका फोर लैख सिक्स थाउजेंड ट्वेल्वी फोर आ गया ठीक है जी सर आगे बढ़े हाँ जी ये देखिए वन फोर्टी का बिल है जिसकी ड्यू डेट क्या है फिफ्थ जून है आपका रेट ऑफ डिस्काउंट कितना फोर्टीन परसेंट है तो आप क्या करेंगे सर थर्टी डेज अप्रैल के थर्टी फर्स्ट डेज मई के और आपका फाइव डेज जून के तो सिक्सटी सिक्स डेज ये आ गया ये सर आपका सेवनटी थ्री डेज आ गया एट्टी सिक्स डेज आ गया नाइन्टी सेवन डेज आ गया ठीक जी सर रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वन फोर्टी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट आपने कैलकुलेट करना और एंट्री पास करनी ठीक है जी सर वन फोर्टी इंटू क्या आएगा सर फोर्टीन परसेंट इंटू क्या आएगा सर आपका सिक्सटी सिक्स डेज नेक्स्ट ईयर से पटेन कर रहे हैं डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी सर ये अमाउंट आ गया थ्री फाइव फोर 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 लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड जी सर इंटू आपका फोर्टीन परसेंट जी सर इंटू सेवेंटी थ्री डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव वन टू टू जीरो एट टू लैख एंड इंटू आपका फोर्टीन परसेंट इंटू एटी सिक्स डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव सर नाइन थ्री जीरो टू फोर लैख सिक्स थाउजेंड इंटू आपका सिक्सटीन परसेंट प्लीज ध्यान देना जी सर इंटू नाइनटी सेवन डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी सर ये अमाउंट आ गया वन सेवन टू सिक्स थ्री टू थ्री वन सेवन चले आगे हाँ जी सर क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का अमाउंट आ गया सबसे पहले क्या करेंगे सर हम ओपनिंग रिबेट का बिल जो ओपनिंग रिबेट अमाउंट कैंसिल करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम डिस्काउंट रिसिव टू टू वन सिक्स जीरो से ठीक है जी सर फिर क्या करेंगे क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट फोर टू थ्री वन सेवन से जी सर अब क्या करेंगे सर उसके बाद डिस्काउंट इनकम को पेनल अकाउंट में क्रेडिट कर देखें डिस्काउंट इनकम अकाउंट अकाउंट कितने से एट ट्रिपल फाइव वन डिस्काउंट इनकम टू पी एंडल चलिए जी सर आइए सर इलेक्सन टू एक बार पढ़ेंगे

एटीन परसेंट के हिसाब से डेज के लिए सर डिस्काउंट इनकम का पैसा काट के बाकी पैसा पे कर देंगे ठीक? X2. 4, के हमने क्या किया पूरे साल के दौरान बिल परचेज किया सिक्स हंड्रेड के बिल ऐसे जिनके मेच्योरिटी डेट नेक्स्ट ईयर है इसका मतलब क्या? इसका मतलबेंड में से ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं मतलब चुका है तो सर डिस्काउंट पीरियड था बिलोंग अमाउंट नहीं आएगा सर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें सिर्फ हंड्रेड की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बिल परचेज की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी थी तभी सर वो सारे बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में थे ठीक है जी सर यहाँ सर आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है बिल परचेज की इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर की कंप्लीट इनफॉर्मेशन दिए तो आपको उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी ठीक डिफरेंस में आ गया आप लोगों को हाँ जी सर वहां पे सिर्फ हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था बिल परचेज का जो नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने थे इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर हमने जो बिल परचेज किया उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी और क्लोजिंग बैलेंस की भी इन्फॉर्मेशन दे रखी ठीक है जी सर आगे देखिए आउट ऑफ ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ सिक्स हंड्रेड करोड़ वर्क ड्यू फॉर रियलाइजेशन

फिर आप एंट्री पास करेंगे बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट फोर थाउजेंड करोड से टू आपका डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट कितने से अकाउंटेंड इंटू एटीन परसेंट इंटू सेवेंटी आपका आ गया वन फोर्टी फोर तो ये डिस्काउंट इनकम आ जाएगी डिस्काउंट ऑन बिल के नाम से ठीक है और बैलेंस आपका आएगा कैश एंड बैंक में कितने से सर फोर थाउजेंड से कंपेरिजन करते हैं थ्री एट फाइव सिक्स ठीक जी सर आइए मैं एक बार ये दो एंट्री आपको टिक करा देता हूँ ये आपने ओपनिंग रिबेट कैंसिल की है ये आपने बिल परचेज किया ठीक जी सर अब आप क्या करेंगे सर सिक्स हंड्रेड का अपने पास बिल परचेज का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो कब मैच्योर होगा सर अगले साल मैच्योर होंगे एटीन परसेंट के हिसाब से आपने इनकम रिकॉर्ड कर रखी और थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डेज सर नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो क्लोजिंग रिबेट का अमाउंट आएगा कितने से आएगा सिक्स हंड्रेड इंटू एटीन परसेंट सर टेन पॉइंट एट हम एंट्री के पास करेंगे डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टेन पॉइंट एट ठीक अब डिस्काउंट ऑन बिल को हम क्या करेंगे फिंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कितने अमाउंट से सर नाइन ओपनिंग बैलेंस था आपका करंट ईयर की इनकम वन फोर्टी फोर आई थी माइनस टेन पॉइंट एट सर यह आ जाएगा आपका वन फोर्टी टू पॉइंट टू जीरो ठीक है जी सर लेजर बनाते हैं सर देखिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बिल्कुल ठीक है सर आपका जो डिस्काउंट इनकम है सर आपने क्या किया होगा सर बिल परचेज़ किए हैं ठीक कितने के सर फोर थाउजेंड के जिसके ऊपर सर आपका जो इनकम अमाउंट है वन फोर्टी फोर है ठीक सबसे सब पहले आपने क्या किया होगा सर हमने ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करके डिस्काउंट इनकम में ट्रांसफ़र किया होगा फिर बिल परचेज आगे ठीक ये सर रिबेट क्रिएट कर दी ये पिंडल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया ये सर रिबेट क्रिएट कर दी रिबेट का क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस आ गया आगे बढ़ते हैं सर ये जो क्वेश्चन आपका इलास्टेशन थर्ड यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल डिस्काउंट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दे रखा मतलब करंट ईयर में जो आपने बिल परचेज किया के, उसके एंट्री पास नहीं होगी बाकी सर ये आपका वन जैसा है आप इसके खुद से प्रैक्टिस करें ठीक जी सर इले स्टेशन फोर ये मैं आपको करा रहा हूं जल्दी से सर इस क्वेश्चन में आपको ड्यू डेट ऑफ बिल नहीं सर, दे के सर डेट ऑफ बिल दे दी तो हम लोग क्या करेंगे पहले उसमें से जो भी टाइम पीरियड है आउटस्टैंडिंग ना उसे ऐड करके मैच्योरिटी डेट निकालेंगे और फिर मैच्योरिटी डेट में सर हम लोग क्या करते हैं ड्यू डेट निकालने के लिए थ्री डेज ग्रेस डे ऐड करते हैं ठीक जी सर तो डेट ऑफ बिल देखिए कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट एज ऑन थर्टी दिसंबर तो हम लोग क्या करेंगे थर्टी दिसंबर डिसंबर एक्स के बाद टाइम पीरियड काउंट करेंगे कब तक का ड्यू डेट तक का

अब ये एक्स टू कौन से वाला ईयर है सर हमें नहीं पता इसलिए हम क्या करते हैं सर जनरली ट्वेंटी डेज ले, ले लेते हैं और थ्री सिक्सटी फाइव डेज ईयर में ले लेंगे ठीक है जी सर प्लस एटीन सेवेंटी सेवेंटी डेज ठीक जी सर चलिए टेंथ नवंबर है फोर मंथ है टेंथ दिसंबर जनवरी टेंथ फरवरी, टेंथ मार्च थ्री डेज किसके आएंगे सर ग्रीस डेज आ जाएंगे तो थर्टींथ मार्च आ जाएंगे सर जनवरी फरवरी और मार्च जनवरी फरवरी और मार्च ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर है फोर मंथ दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ठीक है तो ट्वेंटी एट मार्च आ गया थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट एट्टी सेवन जी सर फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी वन एट्टी सेवन थ्री मंथ है तो सर आपका ट्वेंटी मार्च आ गया थ्री डेज ग्रेस के तो ट्वेंटी थर्ड मार्च आ गया ये आपका आ जाएगा सर थर्टी वन प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी ठीक सर 82 डेज आ गया सर ये डिस्काउंट रेट है इसके हिसाब से आप क्या करेंगे ये रिबेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और डिस्काउंट इनकम को सर रिबेट में ट्रांसफर कर देंगे इस अमाउंट से ठीक है जी सर चलिए देखिए क्या होता है सर बैंक ना कस्टमर के बिहाफ पे चेक या बिल कलेक्ट करता है और फिर कस्टमर के बिहाफ पे उसे कलेक्ट करके लेके आता है ठीक मान लेते हैं स्टूडेंट ने सर मेरे को फी दी SBI का अकाउंट मेरे को SBI का चेक दे दिया क्योंकि उस बच्चे का अकाउंट जो है वो SBI में है सर दोबारा बताओ सर बैंक कस्टमर के बिहार पे बिल कलेक्ट करता है मान के चलते सर एक स्टूडेंट ने मेरे को क्या किया SBI बैंक का चेक दे दिया मेरा जो अकाउंट है PNB में है तो मैं क्या करूँगा उस चेक को अपने PNB के बैंक में लगाऊंगा अब जो मेरा PNB बैंक है वो क्या करेगा मेरे बिहाफ पे उस स्टूडेंट के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करेगा और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा तो अगर मैं पी एनबी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचू तो पी एनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये असेट है या लाइबिलिटी है सर नाइदर असेट नॉर लाइबिलिटी क्योंकि सर उसे क्या करना है उसके पास राइट है पैसा कलेक्ट करने का एस बी आई से उसके ऊपर ओब्लीगेशन है कि उसे क्या करना पड़ेगा मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा तो सर बिल फॉर कलेक्शन जो होता है वो बैंक के लिए ना तो असेट होती है ना लाइबिलिटी होती है लेकिन बैंक को सर क्या करना होता है अमाउंट डिस्क्लोज करना होता है फुट नोट में

फर्स्ट अप्रैल एक्स वन बिल फॉर कलेक्शन वॉज रुपी ठीक है ड्यूरिंग एक्स वन एक्स टू बिल रिसक्शन पॉइंट फाइव लैख देखिए सर ओपनिंग बिल फॉर कलेक्शन कितना था सेवन ड्यूरिंग दर बिल फॉर कलेक्शन कितने जो पी एनबी बैंक ने क्या किया होगा अपने कस्टमर के लिए पैसे इकट्ठे कर लिएगे सब

आपके नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज होती है क्वॉन्टिजेंट लाइबिलिटी सर जो है आपका बैंक के केस में सर अलग से शेड्यूल बनता है शेड्यूल नंबर ट्वेल्व कॉन्टीजेंट लाइब्रिटी के लिए ठीक जी सर सर जो है वो डिस्क्लोज होती है कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो क्वॉन्टिजेंट लाइब्रिटी का सर ओपनिंग बैलेंस होगा तो बाई बैलेंस भी ठीक थी? है हमने इस बार गारंटियां दी हैं सर सर लाइब्रिलिटी का अमाउंट बढ़ जाएगा ये लाइबिलिटी अनिटी रहेगीबिलिटी का अमाउंट अब सर जो गारंटी हमने दे रखी थी उनकी एक मेच्योरिटी डेट आएगी बिल्कुल आएगी सर सर पे क्या होगा सर, जिस कस्टमर की हमने गारंटी दे रखी थी उसने अपनी ओब्लीगेशन पूरी कर दी तो मेरी कॉन्टिशेंट लाइबिलिटी हट जाएगी सर गारंटी ऑनर्ड बाई अगर आपका कस्टमर है तो हम लोग क्या करेंगे सर कॉन्टीशेंट लाइबिलिटी का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे सर ऐसा हो सकता है ड्यू डेट आ गई और जो कस्टमर था ना अपनी गारंटी को ओनर नहीं कर पाया तो हमें क्या करना पड़ेगा सर जो हमने गारंटी दे रखी थी जिसको हमने एज ए कॉन्टिजन लाइबिलिटी दिखा रखा था सर अब हमें क्या करना पड़ेगा पक्की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ठीक है तो हम उसको लाइब्रिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे सर आपका जो कॉन्टिजन लाइबिलिटी है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और जो गारंटियाँ अभी जिनकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है सर वो आपके क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएंगी ठीक जी सर पढ़ेंगे स्टेशन नंबर सिक्स फ्रॉम दिटेल्स प्रीपेय एक्सेप्ट से बोलते हैं आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया ठीक है बाई बैलेंस भी दिया जाएगा आउट ऑफ विच इसमें से क्या लिखता है रुपीज ट्वेंटी लैक वर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाई क्लाइंट आगे चलकर सर इसमें से क्या हुआ ट्वेंटी लैख क्लाइंट ने पे कर दी है ठीक है तो सर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो सर आपका कम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे गारंटी ठीक पेड बाई क्लाइंट कितने से ओपनिंग बैलेंस में से सर आपका आएगा ट्वेंटी लैख देखिए ओपनिंग बैलेंस में ठीक है जी सर एंड बैंक हैड टू ओनर द रेस्ट जो बैलेंस अमाउंट था वो किसने पे कर दिया सर वो आपका बैंक ने पे कर दिया कितने से सर देखिए ट्वेंटी टू लैख थर्टी थाउजेंड है तो ट्वेंटी लैख्स उसने पे कर दिया टू थर्टी आ जाएगा ये देखिए ये बैंक ने पे कर दिया ठीक जी सर ठीक से हाँ जी इस स्कूटनी ऑफ द एक्सेप्टेंस रजिस्टर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द रिविल्ड द फॉलोइंग देखिए सर ओपनिंग बैलेंस आपका जो था उसका हिसाब किताब हो गया है करंट ईयर में सर आपने ये गारंटियां दे रखी हैं तो ये सारी गारंटियां सर अपनी क्या बन जाएंगी बाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर गारंटी का अमाउंट आ गया ठीक ए बैंक ओनर सर बैंक ने पे, पेमेंट कर दी टेंथ जून को लो जी पार्टी पेड ऑफ पार्टी ने सर पे कर दिया पार्टी फेल टू पे एंड बैंक हैड टू ओनर ओके तो बैंक ने पे कर दिया सर थर्टी नवंबर को नोट सेटिस्फाइड अप टू सर ये आपका नोट सेटिस्फाइड है कितना आएगा अमाउंट फिफ्टीन पॉइंट सेवन जीरो क्लोजिंग बैलेंस आ गया चले आगे जी सर आइए इलेस्टेशन नंबर जो सर सेवन है इसमें आपके बड़े सारे केस दे रखे हैं अब कुछ केस ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कोई बात नहीं मैं आपको ना इलेटेशन सेवन पूरा करा देता हूँ ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपके दोबारा से फिर से रिवाइज हो जाए ठीक है जी सर पढ़िए पढ़िएशन सेवन

Sir, 64, 50, से तो 7, 000, 64, 50, 000, हो गये, 47, 000, के माइनस तो फोर्टी के अंदर बाई आ जाएगा सर बिल कलेक्टेड ड्यूरिंग सेवन लाख से फिर आएगा सर अमाउंट बिल डिसऑनर्ड एंड रिटर्न फाइव लैख्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड से बाई बी डी आएगा एटीन लैक नाइन्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से और बिल फॉर कलेक्शन लाइव्रिटी अकाउंट सर इसके अपोजिट बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस बिल फॉर कलेक्शन सर ये आपका कलेक्ट हो गया अमाउंट सर ये आपका डिसऑनर हो गया एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसका रिवर्स सर आपका लाइब्रिटी अकाउंट बन जाएगा चले हाँ जी सर आगे देखिए बी पार्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल एक्स वन एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एक्सेट्रा नोट यट सेटिस्फाइड अमाउंट इन टू फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बी डी ठीक है जी सर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट गारंटी अमाउंट टू फोर्टी फोर लैक ईयर आपने क्या फोर्टी फोर लैक की और गारंटी दे दी बाई कॉन्स्टुअ लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट ठीक सर कितने 44 से आएगा से बैंक ओनर्ड एक्सेप्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव लैख एंड क्लाइंट पेड ऑफ टेन लैख ठीक तो सर हम क्या करेंगे टू आपका लाइबिलिटी फॉर आपका एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट

ये देखिए चलिए हाँ जी सर सर क्या होता है जब हम लोग ना बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगता ठीक है अब ये चैप्टर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बैंक ने क्या किया होगा क्लाइंट को लोन दिया होगा कस्टमर को लोन दिया होगा और उससे सिक्योरिटी मांगी होगी ठीक तो अगर जो बैंक का लोन अमाउंट है उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उससे ज्यादा है तो सिक्योर्ड लोन बन जाएगा और अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सर उससे कम है तो क्या बन जाएगा अनसिक्योर्ड लोन बन जाएगा ठीक जी सर सी पॉइंट देखिए इट इज फाउंड फ्रॉम द बुक्स दैट ए लोन ऑफ ओवर सिक्स लाख वाज एडवांस्ड ऑन 30th सितंबर X1 एट 10% पर एनम ठीक 6 लाख का लोन दिया कब 30th सितंबर X1 को ठीक है किस रेट से 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ठीक बट द लोन वॉज आउटस्टैंडिंग आई थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स टू विदाउट एनी पेमेंट रिकॉर्डेड इन द मेन टाइम आई दर टुवार प्रिंसिपल और टुवार इंटरेस्ट ठीक है सर सिक्स लैख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इंटरेस्ट कितने से आएगा सिक्स लैख पे टेन परसेंट आपका सिक्स मंथ का थर्टी थाउजेंड का सर इसके ऊपर क्या है है of of है इंटरेस्ट का अमाउंट ठीक जी सर थर्टी द सिक्योरिटी फॉर द लोन वाज टेन थाउजेंड फुल्ली पेड शेयर ऑफ हंड्रेड ईच द मार्केट वैल्यू वाज नाइंटी एट एज पर द स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एज ऑन थर्टी एथ ठीक है बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन सर एक बार रेट फोर्टी फोर्टी तक आ गया जनवरी में लेकिन हमें सर क्या करना है हमें सर बैलेंसी डेट पे देखना थर्टी फर्स्ट मार्च को अगर आप देखेंगे तो प्राइस कितने से एटी टू से तो 82 टू इंटू टेन थाउजेंड शेयर है टेन थाउजेंड शेयर है ना हाँ सर ये देखिए एट लैक ट्वेंटी थाउजेंड आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है आउटस्टैंडिंग जो लोन है सर इंक्लूडिंग इंटर सिक्योर सिक्स थर्टी है तो सर ये क्या बन जाएगा आपके लिए सिक्योर लोन बन जाएगा ठीक है ये देखिए

इनकम बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या है सर ये आपका रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा देखिए इट इज एसेट इन दट द प्रोपोर्शनल डिस्काउंट नोट येट अर्न फॉर बिल टू मेच्योर इन एक्स टू एक्स थ्री अमाउंट इन टू फोरटीन थाउजेंड आइए शुरू करते हैं रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस कितने से आएगा सर ट्वेंटी थाउजेंड से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर सर हम ट्रांसफर कर देंगे उसे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के अंदर ठीक जी सर ट्वेंटी थाउजेंड से ठीक फिर हम लोग क्या करेंगे सर टू बिल मतलब रिबेट और बिल डिस्काउंट को क्रिएट करेंगे कितने से सर फोर्टीन थाउजेंड से ठीक है जी सर और डिस्काउंट इनकम सर नाइनटीन लाख आपका सिक्स थाउजेंड कहाँ से ले जाएगी पेंडल अकाउंट ये देखिए अच्छा सर नेट बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया कोई नहीं ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा यहाँ पे फोर्टीन थाउजेंड क्रिएट कर देंगे ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया और यहाँ पे सर हम क्या करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड जो कि के ठीक चलिए इसके बाद देखेंगे तो सर आपका यूनिट नंबर फाइव समाप्त होती है अब चलते हैं यूनिट नंबर सिक्स के अंदर आइए यूनिट सिक्स में यूनिट नंबर सिक्स जो है इसमें आपके फाइनल अकाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ठीक जी सर आइए मैं आपको पहले पी एन एल स्टेटमेंट का जितने भी शेड्यूल है उसको रिवाइज करा देता हूँ देखिए पी एन एल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर फोर शेड्यूल आते हैं शेड्यूल थर्टीन शेड्यूल फोर्टीन शेड्यूल फिफ्टीन शेड्यूल सिक्सटीन ठीक शेड्यूल थर्टीन का नाम है इंटरेस्ट अर्न बेसिकली इसके अंदर सर क्या क्या आएगा आपका इंटरेस्ट पब्लिक डिस्काउंट ऑन एडवांस ओब्लिक बिल ठीक इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आर बी आई एंड अदर इंटर बैंक फंड ठीक और अदर आ जाएगा

एक्सचेंज है ब्रोकरेज है ठीक अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रिवेल्यू किया उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा लॉस एडजस्ट कर देंगे अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा है प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा लॉस को एडजस्ट कर देंगे अगर सर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल किया है उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है सर वो आ जाएगा लॉस को एडजस्ट कर देंगे ठीक जी सर आपका सर अगर डिविडेंड मिला आपको सब्सिडी से या ज्वाइंट वेंचर से सर वो डिविडेंड शेड्यूल नंबर फोर्टीन में आ जाएगा और अदर आपकी इनकम आ जाएगी ठीक जी सर शेड्यूल नंबर फिफ्टीन आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडर का जिसके अंदर सर आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आएगा इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई या अदर आपका इंटर बैंक है ठीक अदर्स आ जाएगा उसके बाद सर आपका शेड्यूल नंबर सिक्सटीन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें सर आपके सारे सारे खर्चे आ जाएंगे ठीक सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे बच्चा कहीं बार ना स्टेचुरी रिजर्व को लेके और स्टेचुरी एक्सपेंसिस को लेके कंफ्यूज हो जाता है स्टेचुरी रिजर्व जो है वो अपना अप्रोप्रिएशन होता है स्टेचुरी एक्सपेंसिज सर अपने लीगल एक्सपेंसिस होते हैं वो शेड्यूल नंबर सिक्सटीन के अंदर आते हैं ठीक पी एन एल अगर मैं अकाउंट की बात करूँ सब स्टेटमेंट की बात करूँ सबसे पहले क्या आएगा सर शेड्यूल नंबर थर्टीन इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम शेड्यूल नंबर फोरटीन उसके बाद सर आपका टोटल आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड सर आपका शेड्यूल नंबर फिफ्टीन आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज शेड्यूल नंबर सिक्सटीन आएगा ठीक जी सर उसके बाद आएगा, आएगा आपका प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी जिसके अंदर सर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा प्रोविजन फॉर फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा सर टोटल एक्सपेंडिचर आ गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आ गया उसके बाद सर आप क्या करेंगे ओपनिंग प्रॉफिट और लॉस उसको अंदर ऐड कर देंगे फिर आप क्या करेंगे जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट है प्लीज मेरी बातिंग सुनना जो करंट ईयर का प्रॉफिट है आप क्या करेंगे उसका 25% अब सर रिज में ट्रांसफर कर देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है इतना रिजर्व ट्रांसफर, इतना अमाउंट ट्रांसफर करना के प्रॉफिट का तो उतना हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेज रिज्य में ट्रांसफर देंगे ठीक है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे और डिविडेंट अगर आपको पे क्वेश्चन कहता है ठीक है जी सर चलिए बैलेंस प्रॉफिट सर आप क्या करेंगे बैलेंस के अंदर लेके जाएंगे अब मैं आपको पी एंड एल जो स्टेटमेंट है उसकी समरी आपको करा देता हूं ठीक है जी सर देखिए एक बार शेड्यूल नंबर थर्टीन इंटरेस्ट ऑन इसको अगर आप याद कर लेंगे तो सारे शेड्यूल आपके याद हो जाएंगे देखिए इंटरेस्ट डिविडेंड एंड डिस्काउंट इनकम कोर इनकम ये बैंक की हाँ जी एक्सेप्ट डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी ज्वाइंट वेंचर क्योंकि अगर सब्सिडी और वेंचर से डिविडेंड इनकम मिली तो होटिन में जाएगी ठीक प्लस माइनस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है तो आप उसे क्या करेंगे सर प्लस माइनस कर देंगे ठीक अदर इनकम में क्या आएगा ऑल अदर काइंड ऑफ इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड ऑल्सो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी इन्वेस्टमेंट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ठीक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंसिज पेड वाला आ जाएगा ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एक्सक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अगर लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो सब आपने शेड्यूल नंबर में एडजस्ट कर लिया ठीक है उसके बाद प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी प्रोविजन अगेंस्ट एडवांस प्रोविजन फॉर फो फॉलिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट माइनस लॉस फॉर द ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड ठीक है अप्रोप्रिएशन देखिए तुझको नहीं भूल पाऊंगा ट्वेंटी करंट ईयर प्रॉफिट इवन इफ क्वेश्चन रिमेन साइलेंट हाँ अगर क्वेश्चन कुछ कहेगा साहब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट द रेट परसेंटेज एज मेंशन इन क्वेश्चन और ट्रांसफर टू आपका गवर्नमेंट या पर पोस्ट सर एट द रेट एज मैंशन इन क्वेश्चन सेल भी कैलकुलेट ऑन कैपिटल ये कैपिटल कैलकुलेट होगा बैलेंसर आप क्या करें बैलेंसट के अंदर लेके जाएंगे प्रॉफिट ठीक जी सर चलिए सर यूनिट सिक्स में अगर आप देखेंगे तो जो पहला लिस्टेशन है वो बैलेंस शीट का लिस्टेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन बैलेंसट का खुद कर से करना चाहिए ताकि आपको पूरा बैंक का प्रोसीजर समझ में आ जाए ठीक जी सर आइए स्टेशन नंबर टू पी एंड एल अकाउंट पढ़ेंगे जल्दी से फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट ऑफ डी बैंक फॉर द डिंपल बैंक फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ठीक है एक्स थ्री इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आ गया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ गई ठीक सर डिस्कस करना स्टार्ट कर ले बिल्कुल डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं बट आपने बुक के ऊपर कुछ नहीं लिखना ठीक है जी सर ये आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट है ये आपके करंट ईयर के अमाउंट है ठीक है हाँ जी सर करंट ईयर के अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं ठीक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट किस में आएगा सर थर्टीन में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थर्टीन में इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई सर हमारा बैलेंस आरबीआई के साथ ठीक है उसके ऊपर सर हमें क्या मिला interest मिला इंटरेस्ट आएगा सर थर्टीन में कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज सर में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर फोर्टीन में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फिफ्टीन में इंटरेस्ट टू आरबीआई सर आपने आरबीआई को इंटरेस्ट पे किया है सर में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट टू आरबीआई फिफ्टीन में आएगा ठीक पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई सिक्सटीन रेंट टैक्सेज हाईलाइट एंड लाइटिंग सिक्सटीन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सिक्सटीन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी सिक्सटीन डेप्रिसिएशन सिक्सटीन डायरेक्टर फी सिक्सटीन ऑडिटर फी सिक्सटीन लो चार्जेस सिक्सटीन पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन सिक्सटीन इंश्योरेंस सिक्सटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिक्सटीन ठीक ऑल्सो गिव नेसेसरी शेड्यूल अगर क्वेश्चन में सर आप शेड्यूल ना भी मांगे तब भी आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर शेड्यूल बना के आने क्योंकि शेड्यूल के मार्क्स होते हैं सर इन्फॉर्मेशन दस आर ऑलरेडीड विध इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सर यह आइटम आपने क्या की है ऑलरेडी एडजस्ट कर दी है किसके साथ इंटरेस्ट एंडकाउंट के साथ अब आप मेरी बात को अगर कोई आइटम ऐसी sir, जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के साथ एडजस्ट होनी थी और आपने उसे अडजस्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई आइटम ऐसी है सर जो आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के साथ एडजस्ट नहीं होनी और आपने उसे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के साथ एडजस्ट करते तो आप क्या करेंगे उसका इफेक्ट सर नलीफाई करेंगे और जहाँ पे वो आइटम जाने सर वहाँ पे लेके जाएंगे ठीक देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका टैक्स प्रोविजन कहाँ जाता है सर टैक्स प्रोविजन सर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में आपने क्या किया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में इसे एडजस्ट कर रखा था, था आप क्या करें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में इसे ऐड कर देंगे और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में लेके जाएंगे ये देखिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बल्कि मैं काम करता हूँ ना मैं यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करा देता हूँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का अमाउंट है टू जीरो फोर फाइव वन फोर्टी ठीक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर ये कहाँ जाएगा सर ये आपका जाएगा प्रोविजन एंड कॉन्टीनसी में आपने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में एडजस्ट कर रखा लोस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर ये आपका फोर्टीन में जाएगा माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम से सर इसे हम क्या करें एडबैक कर देंगे रिवेट ऑल विल डिस्काउंट कहाँ जाना चाहिए सर आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए वही एडजस्ट हो रखा है ठीक तो कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे टू जीरो फोर फाइव प्लस वन फोर्टी एट प्लस नाइन्टी टू प्लस ट्वेल्व सर टू टू नाइन सेवन आ गया चलें हाँ जी सर आइए टू टू नाइन सेवन सर ये आपका ईयर का अमाउंट है वन फोर टू सेवन जी सर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट थर्टीन में इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आर बी आई थर्टीन में ठीक अदर कुछ है नहीं अदर इनकम कमीशन ब्रोकरेज सर फोर्टीन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर फोर्टीन में और लॉस सर क्या होगा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट सर फिफ्टीन में इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आर बी आई सर सर फिफ्टीन में और बाकी सारे खर्चे सर किस में आएंगे सिक्सटीन में आएंगे ठीक है सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना एक वर्किंग नोट बनना चाहिए टेक्निकली इस बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप वर्किंग नोट बना लेंगे ठीक है चलिए हाँ जी सर आइए अब पेनल स्टेटमेंट में हमने क्या किया होगा पोस्टिंग कर दी प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंस का जो अमाउंट है सर आपका वन फोर्टी एट प्लस नाइनटी टू आएगा वन फोर्टी एट प्लस नाइनटी टू सर टू फोर्टी आ गया बिल्कुल ठीक है थ्री माइनस थ्री थ्री जीरो फाइव सर ये करंट ईयर की इनकम आ गई और लास्ट ईयर का लॉस आ गया लॉस इसके साथ एडजस्ट कर देंगे अब हमें क्या क्या करना सर आगे प्रेपरी इसमें क्वेश्चन कहते हैं आपने ट्वेंटी फाइव परसेंट जो प्रॉफिट है वो स्टेशनरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है अब ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका होगा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का या करंट ईयर के प्रॉफिट का सर करंट ईयर के प्रॉफिट का सर अगर इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर पर प्रॉफिट होता तो हम पता क्या करते है? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्रांसफर करते और जो बैलेंस बच जाता सर उसको फिर क्या करते सर यहाँ पे लेके आते ठीक जी सर जीरो थ्री का ट्वेंटी फाइव परसेंट सर ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव फाइव परसेंट सर आपका क्या है अदर रिजर्व में फाइव पॉइंट वन फाइव ये बैलेंस बैलेंस शीट में लेके ठीक है जी सर चलिए नंबर थ्री पढ़ेंगे पढ़िए जल्दी से क्या लिखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एंड एल अकाउंट ऑफ के सी बैंक फॉर दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स वन सर ये पी एंडल इंफॉर्मेशन दे दी के सी बैंक की आइटम रुपीज इन थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट सर थर्टीन में इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्टीन में इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन थर्टीन में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट सर थर्टीन में इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई सर थर्टीन में कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर सर फोर्टीन में कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट सर फोर्टीन में कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस सर फोर्टीन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सर फोर्टी में नेट करके दिखा देंगे मतलब लेस करके दिखा देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट सर फिफ्टीन में और इसके अलावा सर सारे आपके एक्सपेंडिचर केस में चले जाएंगे सर आपका सिक्सटीन में ठीक चलिए एक काम करते हैं एक एक खर्चे को रीड कर लेते हैं आपका ऑडिटर फी एंड अलाउंस सर अलाउंसटीन डायरेक्टर फी एंड अलाउंस अलाउंसटीन एडवर्टाइजमेंट सिक्सटीन सैलरी अलाउंस एंड बोनस टू एम्प्लॉय सिक्सटीन पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड सर सिक्सटीन वो प्रोविडेंट फंड होता है सर जो एम्प्लॉयर जमा कराता है क्योंकि एम्प्लॉय वाला तो अमाउंट सैलरी में खर्चा मान लिया जाता है ना ठीक जी सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन अब यहाँ देखिए सर इंटरेस्ट ऑन एन पी आई एज होलोज सर एन पी आई के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैसे कंसिडर करना होता सर कलेक्टर बेस पे यहाँ पे सर हम कैसे कंसिडर करके बैठे होंगे सर अन के बेस पे हम एज्यूम करेंगे कि एग्जाम में या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रखा होगा नहीं तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने अन बेस पे इसको क्या कर रखा होगा कंसिडर कर रखा होगा आइए तो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एटीन ट्वेंटी माइनस एट ट्वेंटी प्लस फोर हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड आगे देखिए सेवन फाइव जीरो माइनस फोर फिफ्टी प्लस वन हंड्रेड फोर हंड्रेड आगे देखिए वन फाइव फोर जीरो माइनस सेवन फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी वन जीरो फोर जीरो चलिए हाँ जी सर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज ये आपका जो अमाउंट आएगा प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में आ जाएगा कितना अमाउंट आएगा सर स्टैंडर्ड पे है फोर परसेंट के हिसाब से ट्वेल्व सब स्टैंडर्ड पे सर हम लोग सिक्योर्ड मान के चलेंगे फिफ्टीन परसेंट वन सिक्सटी एट डाउटफुल असेट नोट कवर्ड बाई सिक्योरिटी हंड्रेड परसेंट डाउटफुल असेट कवर्ड बाई सिक्योरिटी फॉर वन ईयर सर वन ईयर का अगर कवर्ड बाई सिक्योरिटी तो ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस असेट परसेंट तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल फाइव नाइन टू पॉइंट फाइव चलिए हाँ जी सर देखिए इन्वेस्टमेंट के केस में सर आरबीआई हमें लिबर्टी देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट को हेल्थ टू मेच्योरिटी रख सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट हेल्थ टू मेच्योरिटी रखी जाती है सर उसको हम कैसे दिखाते कोस्ट पे दिखाते ठीक जी सर और जो इन्वेस्टमेंट सर बैलेंस है अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट सर उसे हम अवेलेबल फॉर सेल या हेल्थ फॉर सेल की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट सर जो अवेलेबल फॉर सेल है या हेल्थ फॉर सेल है उसे हम कैसे वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ठीक अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखते हैं इन्वेस्टमेंट आपकी टू सेवन फाइव जीरो है तो टू सेवन फाइव जीरो का ट्वेंटी फाइव परसेंट हेल्थ टू मेजोरिटी आ जाएगा जिसे हम कॉस्ट पे ही दिखाते हैं साहब ठीक है जी सर सिक्स 87.50 बैलेंस अमाउंट 75 फाइव परसेंट टू जीरो सिक्स टू पॉइंट फाइव जीरो ठीक है देखिए क्या लिखते हैं बैंक शुड नॉट की ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हैज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट ठीक है द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स रेस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट इज नाइनटीन पॉइंट सेवन फाइव मतलब थाउजेंड्स में नाइनटीन सेवेंटी फाइव तो बैलेंस का सर आपका प्रोविज़न बन जाएगा कितने से एटी सेवन पॉइंट फाइव जीरो से ठीक जी सर आइए यहाँ देखिए बैलेंस अमाउंट का क्या बन जाएगा प्रोविजन ये देखिए ये टोटल प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में अमाउंट आ जाएगा एक बार मैं शेड्यूल गो थ्रू करा देता हूँ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आर ठीक कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज में सर रेमिटेंस एंड ट्रांसफर के ऊपर कमीशन लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर कमीशन गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर कमीशन ठीक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में सर जो लॉस हुआ है उसे माइनस करके दिखा देंगे ठीक है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और बाकी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आ जाएंगे आपके प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का अमाउंट आ जाएगा सर बैलेंस सर आपका क्या जाएगा? आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लॉस है और अगर लॉस आ गया सर कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होता चले जी सर आइए इलास्टेशन नंबर फोर सर आपका बैलेंस शीट का है इसको आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए जी सर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इलस्टेशन समाप्त हो जाते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं आइए क्वेश्चन वन सर आपका ये प्रोविजन का है इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा देता हूँ सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है फर्स्ट पार्ट भी हालांकि आसान से, है। हाला आसान से है। लेकिन इस तरह से लैंग्वेज में लिखा सर हमने कोई प्रोविजन वाले क्वेश्चन ज्यादा कवर नहीं किए थे मतलब तो स्टडी मेटरियल नहीं दे रखे थे ऐसे बोलूँगा जैसे मैं अपने बैच में तो मैं आपको दूँ बैंकिंग में भर भर के क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर ना मतलब मैं हर चैप्टर में क्वेश्चन भर भर के कराता हूँ आर टी सजेस्टेड आंसर आई का स्टडी मटीरियल आर टी पी एम टी पी सजेस्टेड आंसर मेरे पास थर्टी ईयर्स तक के पुराने क्वेश्चन हैं और फिर मैं हर के ऊपर एग्जाम्पल लिखवाता हूं एग्जाम्पल से सर क्या करता हूं कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन करता हूं और फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से बना के सर बुक में डाल रखे था। ठीक, देखिए कैलिख क्वेश्चन पैकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसर रुपीज सिक्सटी लैक अगेंस्ट विच द बैंक होल्ड सिक्योरिटी वर्थ रुपीज फिफ्टीन लैख सिक्सटी लैख का लोन है फिफ्टीन लैख की बैंक के पास सिक्योरिटी है अनसिक्योर्ड पोर्सन फोर्टी फाइव है द अब अडवास है मोर देन थ्री ईयर तो सिक्योर्ड पोर्सन पर कितना प्रोविजन बनेगा हंड्रेड परसेंट अनसिक्योर्ड हंड्रेड परसेंट और माइनस ई सी जी सी की गारंटी फोर्टी परसेंट है ट्वेंटी सेवन फोर्टी टू चलिए हाँ जी सर क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन टू अपने आप करेंगे क्वेश्चन थ्री अपने आप करेंगे स्टैंडर्ड में हम लोग वैल्यू सिक्योरिटी नहीं देखते पूरे सेवन थाउजेंड के ऊपर क्या बनेगा प्रोविजन बन जाएगा ये पॉइंट मैं आपको टिक करा देता हूँ देखिए और इसमें जो भी अनसिक्योर्ड पोर्सन है चाहे वो आपका डाउटफुल में, में अप टू तो वन ईयर है उसमें भी हंड्रेड परसेंट का क्या होगा प्रोविजन बनेगा क्वेश्चन फोर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव मैं करा देता हूँ आप लोग क्वेश्चन फाइव स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग कैश क्रेडिट अकाउंट आर एंड प्योर ठीक जी सर सेंक्शन लिमिट सिक्सटी लैख फोर्टी फाइव लैक है ड्रॉइंग पावर सर ड्रॉइंग पावर आपकी सेंसन लिमिट के अंदर है तो परफॉर्मिंग हो गया यहाँ के हिसाब से ठीक अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टीन्यूसली सर देखिए अमाउंट जो आउटस्टेंडिंग आपका ड्रॉइंग पावर सेंक्शन लिमिट के अंदर ही है ठीक है टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड फॉर द अबोव पीरियड अब जितना इंटरेस्ट सर डेबिट होता है नाइन्टी डेज के अंदर सर एटलीस्ट उतना अमाउंट क्यों चाहिए सर क्रेडिट होना चाहिए सर क्रेडिट यहाँ पे नहीं हुआ है तो सर ये आपके लिए क्या बन जाएगा ठीक है ना फॉर द अबोव पीरियड इतने पीरियड के लिए ठीक है तो सर ये आपका एन बन जाएगा टू फोर्टी क्रेडिट सर ज्यादा हो गया तो ये आपका परफॉर्मिंग असेट मतलब नोट एनपी क्वेश्चन फाइव नोट एनपी एन पी एच क्रेडिट इन द अकाउंट इज सफिशेंट टू कवर द इंटरेस्ट एफटर ड्यूरिंग द पीरियड नो यस ठीक तो ये नोट एनपी ये एनपी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है हमने ऐसा क्वेश्चन कवर कर लिया क्वेश्चन सेवन सर हमने ऐसा क्वेश्चन कवर कर लिया ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर एट पेंडल का क्वेश्चन है इसमें एक दो तो प्यारे प्यारे पॉइंट है बल्कि मैं एक काम करता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा ही कवर करा देता हूँ ठीक है जी सर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ के एल एम बैंक लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसिप्ट आ गया इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट आ गया सर इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट आपका फिफ्टीन में आएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसिप्ट थर्टीन में आएगा ठीक स्टूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आ गया अगर डिडेंट दिया जाएगा तो इसके ऊपर दिया जाएगा सैलरी एंड अलाउंस सर आपका सिक्सटीन डायरेक्ट फी एंड अलाउंस सर सिक्सटीन रेंट एंड टैक्सीज पेड सिक्सटीन पोस्टेज एंड टेलीग्राम सिक्सटीन स्टेशनरी रिजर्व फंड सर ये आपका शेड्यूल टू के अंदर आता ठीक है

इट इज एक्सपेक्टेड ओनली फिफ्टी फाइव परसेंट कैन भी रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट इसका फोर फिफ्टी का हमें क्या करना पड़ेगा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा देर वज ऑल्सो अदर डेट ओन फॉर विच ये टू लैक का सर हम लोग ये प्रोविजन क्रिएट कर देंगे रिबेट ऑन बिल्डिस्काउंट ओपनिंग बैलेंस फिफ्टीन थाउजेंट है क्लोजिंग बैलेंस ट्वेंटी थाउजेंट है हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिश्यूट के साथ एडजस्ट कर देंगे प्लस ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस एक बार चेक कर ले यही है ना हाँ जी थर्टी सेवन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन सिक्सटी ठीक जी सर इनकम टैक्स टू लैक्स से आपने प्रोवाइड करना है तो प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में अमाउंट आ जाएगा टोटल एट फिफ्टी आ गया सर डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फाइव परसेंट और आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट सर रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा ठीक है चलिए तो जो डिविडेंड आएगा आपका टेन लाख का फाइव परसेंट फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा शेड्यूल नंबर थर्टीन में चलते हैं थर्टी सेवन नाइन्टी फाइव वन सिक्सटी फोर्टीन में, में सर तीन आइटम थी फिफ्टीन में सर एक आइटम थी बाकी सब सिक्सटीन में आ गया ठीक यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोजेन एड कॉन्टेंसी का अमाउंट आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया इसमें सर ये आपने स्टेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया ये डिविडेंट आ गया डिविडेंट कैपिटल पे आएगा ठीक और जो रिजर्व या अदर रिजर्व है वो करंट ईयर के प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा ये आपकी का जो बैलेंस आया प्रॉफिट ये बैलेंस इतना चला जाएगा ठीक जी सर चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त तो होता है मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है लाइव टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है और कैश प्राइज़ भी है और जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव डिटेल वीडियो डाल रखी है मैं उस वीडियो को आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ ठीक चलिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट गुड हाँ इस बार एग्जाम पर